नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और वीकेंड के हमारे प्राइम टाइम डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आपने हनुमान चालीसा के नाम को जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा की ये दो पंक्तियां कर्नाटक चुनाव के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। पार्टियों को लग रहा है कि कर्नाटक चुनाव में अगर हमने बजरंग बली का सहारा ले लिया तो हमारे सारे दुख कट जाएंगे। दरअसल इन दिनों सियासत बजरंग बली पर आकर सिमट गई है और खुद बजरंग बली भी देख रहे होंगे कि मुझे लेकर के भी राजनीति हो सकती है। राजनीति सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए कांग्रेस ने जैसे ही अपने मैनिफेस्टो को लॉन्च किया और उसमें बजरंग जो दल है उसको बैन करने की बात कही, उसके बाद से ही भाजपा ने इस पूरे मामले को अपने हाथों में लिया। और साथ ही आपने देखा प्रधानमंत्री लगातार कर्नाटक में है और बजरंग बली को लेकर अपनी जितनी भी बातें हैं वो कर्नाटक के लोगों को कह रहे हैं कि पहले राम के नाम से कांग्रेसियों को प्रॉब्लम थी, समस्या थी, और अब बजरंग बली के नाम से इनको प्रॉब्लम होने लगी है। बजरंग बली को ताले में रखेंगे ये लोग। लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसे ही उन्होंने देखा कि बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को आड़े हाथों लिया है और अब कहीं दाव उल्टा ना पड़ जाए, तो आपने सुना होगा कि कैसे डीके शिव कुमार बार बार कह रहे हैं कि अगर हम जीत कर आए तो पूरे राज्य में जगह जगह हनुमान जी की मूर्तियां बनाएंगे, मंदिरें बनाएंगे। अब ऐसे में ये पूरा का पूरा जो राजनीति जिस तरीके से कर्नाटक में हो रही है हनुमान पर आकर सिमट चुकी है। बजरंग बली किसके संकट हरेंगे, किसके बेड़ा को पार लगाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। 10 तारीख को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज शनिवार का दिन था और कहा जाता है शनिवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इधर अमित शाह, जेपी नड्डा, गजेंद्र सिंह शेखावत, तमाम लोग कर्नाटक में। तो शनिवार का दिन बजरंग बली इस शनिवार के धुआंधार रैली को किसके पक्ष में लेकर जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस डिबेट में हम आगे बढ़ेंगे, तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे कर्नाटक को लेकर के। लेकिन पहले छोटा सा आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। बजरंग बली की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर तेजी से प्रचार चल रहा है, लेकिन पूरी सियासत बजरंग बली पर आकर सिमट गई है। सियासतदान अब बजरंग बली के नाम पर जनता को लुभाने में जुट गए हैं। कांग्रेस जहां सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी कुर्सी पर बरकरार रहने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अंतिम दौर में है। चुनाव प्रचार थमने से पहले अंतिम चरण में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल ली है। पीएम मोदी 3 दिन के दौरे पर कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मेगा रोड शो किया। 26 किलोमीटर लंबे इस रोड शो के लिए बीजेपी समर्थकों में काफी उत्साह दिखाई दिया। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने जनता को संबोधित भी किया। तो कर्नाटक को नंबर वन बनाने के लिए लेकर के आए हैं काम, लेकिन कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो एपीजमेंट, तुष्टिकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। कर्नाटक में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है। 8 मई को यह अभियान खत्म हो जाएगा। उससे पहले कर्नाटका के रण में उतरे बीजेपी के चाणक्य, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस ने सालों तक भगवान राम को ताले में बंद कर रखा, लेकिन पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, मुझे बताओ भाई,
महादाई का सवाल इन्होंने रिसॉल्व किया था क्या? जोर से बोलो किया था, और जोर से बोलो किया था। उल्टा सोनिया गांधी जी ने कहा था 2007 में गोवा में महादाई का पानी कर्नाटक को नहीं दिया। एक और कर्नाटक में पीएफआई जैसे संगठनों को उन्मुक्त करके समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है। कर्नाटका में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 13 मई को आने वाले नतीजों को अपने हक में लाने के लिए कांग्रेस के सभी टॉप लीडर्स अपनी अपनी पार्टियों का जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी राज्य में पहली बार प्रचार अभियान शुरू किया। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 7 दिनों का समय बचा हुआ है और 8 मई को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस वोटर्स को रुझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। प्रचार के आखिरी चरण में पार्टियों के दिग्गज पूरे जोश और खरोश के साथ जनता के बीच माहौल बनाने में जुटे हैं। लेकिन कर्नाटका की कमान किसके हाथ आएगी और जनता किसे राज्य की सत्ता सौंपेगी, ये तो आने वाली 13 तारीख को ही पता लग सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कर्नाटक के इस रण में जीत किसकी होती है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार, कांग्रेस के प्रवक्ता, दीपक झा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत आपका राहुल लाल जी का, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो से हमारे साथ। साथ ही योगेश सोनी होंगे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत। ऋषभ तिवारी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका। महंत रामदूत दास हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ होंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो है दीपक झा से, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में पहले कहा कि बजरंग दल को जैसे ही अगर हम जीत कर आते हैं तो हम बैन कर देंगे जी। आज आखिर कौन सी मजबूरी आन पड़ी है कि डीके शिवकुमार को कहना पड़ रहा है कि हम जीत कर आएंगे तो गली गली मोहल्ले में पूरे राज्य में हनुमान जी की मंदिर बनाएंगे? प्रीति जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बजरंग बली और बजरंग दल आपके सवाल से एक ही नजर आ रहे हैं। ऐसा है क्या, बजरंग बली और बजरंग दल एक ही हैं? आप देखिए बजरंग, नहीं, नहीं, आप बताइए ना, आपने ऐसा सवाल किया डीके मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति बनाना, हनुमान जी की मंदिर पे कैसे? ठीक है, मान लीजिए बजरंग दल को बैन आप लोग कर रहे थे, उस पे स्टैंड लेना चाहिए था। उसके तुरंत बाद जब आपको लगा कि ये दाव जो है कहीं ना कहीं पार्टी को बैकफुट पर लाके खड़ा कर देगी, क्या लगा हमें कि कर्नाटक चुनाव अगर हम जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर हम मंदिर बनाएंगे? ये स्टेटमेंट अपने आप में सर कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। प्रीति जी, हमें क्या लगा, हमें लगने दीजिए ना, आप मत लगाइए कि आपको क्या लग रहा है। आप सीधी सी बात बताइए, बजरंग दल और बजरंग बली एक हैं क्या, जो बजरंग दल के समर्थन में खड़े हैं और कह रहे हैं बजरंग बली का अपमान किया? कैसे अपमान हुआ, आप देश को बताइए ना कि बजरंग दल और बजरंग बली एक है तो नाथू राम गोडसे और राम जी एक है क्या? देश देख रहा है, ये भाजपा के जो लोग हैं राम का अपमान कर रहे हैं, बजरंग बली का अपमान कर रहे हैं है। क्योंकि बजरंग बली में गुंडे होते हैं, गुंडे जो सड़क पे लोगों को परेशान करते हैं, लिंचिंग करते हैं है। और वैलेंटाइन डे पे लड़के लड़कियां अगर पार्क में बैठे हों तो उनको भी परेशान करते हैं। और कल ही एक वीडियो आया है सामने कि किस तरीके से बजरंग दल के गुंडे मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ कर रहे थे जबलपुर में, और पुलिस अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो देश जानना चाहता है क्या भाजपा के लिए बजरंग दल और बजरंग बली एक ही है? मेरा एक सामान्य प्रश्न है, मोदी जी मुद्दों से भटकाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि जुमलोबाजों की पार्टी है। एक नारा है, आपको याद होगा किसी महापुरुष ने कहा था, वो महापुरुष कौन था नाम बताइएगा अगर आपको पता हो, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। एक कौन से महापुरुष ने किस आप उपलक्ष में जुमला कहा था? हमें तो जुमला ही है, मोदी जी ने महंगाई की मार से तो पूरे देश को ही मार दिया है। नहीं, सवाल इसीलिए बनता है, मोदी जी महंगाई की मार से बचे रहे, महंगाई की मार जनता झेलती रहे, और बजरंग बली और श्री राम के उसमें आके जनता को लड़ा देंगे। देखो जी,
भगवान का अपमान इस देश का नागरिक कोई नहीं कर सकता। भगवान हमारे माँ पिता के समान है, माता पिता आराध्य है। और मान लीजिए कोई बच्चा भगवान का अपमान कर देता है, माँ बाप का अपमान कर देता है, तो माँ बाप उससे क्रोधित नहीं होते, नाराज नहीं होते। बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी, कहा जा रहा है कि आपसे ठीक कुछ सालों पहले संसद भवन में यही दक्षिण भारत में हनुमान जी की मूर्ति को लेकर एक संशोधन होना था, सैंक्शन कराना था, पारित होना था, कोई विषय था, तब रणदीप सुरजेवाला ने कहा है, ये जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कर्नाटक से, उन्होंने कहा कि तब बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी और आज क्योंकि कर्नाटक चुनाव सर पर है तो आज हनुमान जी की याद आई है बीजेपी वालों को। क्या हनुमान जी या राम जी सिर्फ चुनाव के वक्त में बीजेपी को याद आता है, उससे पहले आपके पास आप हनुमान जी के बारे में सोच नहीं रहे थे? जब जरूरत पड़ी सोचने की उस समय तो बैकफुट पे थे। आपको ये प्रकरण याद है? सबसे पहले ये प्रकरण याद है आपको जो मैंने आपको कहा है अभी? प्रीति जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। दूसरी बात, मैं इंटरप्ट नहीं किया तो उम्मीद करूंगा कि दीपक झा जी नए नए प्रवक्ता भी बने हैं। पहले सवाल का जवाब, पहले सवाल का ठीक है जवाब दे रहा हूँ। बजरंग दल इक्वल वैलेंट टू बजरंगम बल नहीं है, ये हम भी कहते हैं, लेकिन बजरंग दल इक्वल टू आतंकवादी संगठन नहीं है, ये भी देश की जनता जानती है और समझती है। और दूसरी बात, बजरंग दल का इतिहास पढ़ ले, बिना पढ़े लिखे कुछ भी बोल देना शायद कांग्रेस का चरित्र हो गया है और इसीलिए ये आजकल विपक्ष में ही बैठे रहते हैं। बजरंग दल हर मंगलवार को भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए हर मंदिर में मंगल आरती कराती है, जो भारत के पूर्ण निर्माण की बात करती है। बजरंग दल अपने आस्थाओं से जोड़ते हुए भारत की संस्कृति को जोड़ने का काम करती है। दक्षिण भारत में बजरंग बली के पुनरुत्थान की जब बात आई थी तो बीजेपी बैकफुट पे जागरूकता लाती है। रणदीप सुरजेवाला पूछ रहे हैं, बीच में इंटरप्ट अगर करना है तो सवाल ही कीजिए, जवाब मत दीजिए। मेरे सवाल से स्टार्ट करेंगे ना, कि दीपक जी के ऊपर हमला करने के उद्देश्य से आप डिबेट में आएंगे, थोड़ी देर में जाते हैं उनके पास, पहले मेरे सवाल पे। वन टू वन तो नहीं रहेगा ना कि चैनल पे बैठा, मेरे सवाल से स्टार्ट कीजिए ना, डिबेट है। अरे यार कुछ भी कहेंगे और लोग सुनते रहेगा। ऋषभ जी बजरंग बली का अपमान नहीं चलेगा, बजरंग दल का अपमान नहीं चलेगा, क्योंकि उनका इतिहास रहा है भारतीय संस्कृति के बजरंग बली का अपमान कैसे किया है ये। अरे दीपक जी थोड़ा धैर्य रखिए, जनता ऐसा जवाब देने वाली है कर्नाटक में मुंह की खाएंगे, चिंता मत कीजिए। अच्छा। दूसरी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, जब भारत का 1947 के बाद जब हम आजाद हुए थे तो कांग्रेस ने टैगलाइन दिया था कि हम भारत का नव निर्माण की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के उस समय पूर्वज के रहे जनसंघ के नेताओं ने टैगलाइन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी भी भारत का प्रवक्ता यहाँ अपनी अपनी पेटी अपनी अपनी पार्टी का एजेंडा लेके नहीं। मैं जो सवाल अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि दक्षिण भारत में जब बजरंग बली के पुनरुत्थान की बात हो रही थी बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी, ये कहना है रणदीप सुरजेवाला का। वो कह रहे हैं कि चुनाव के समय में बजरंग बली नहीं याद आए क्योंकि चुनाव जीतना कर्नाटक में हार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव के समय हर भगवान को लोग पंडाल करते हैं, हम नॉमिनेशन करने जाते हैं तो तिलक लगा कर जाते हैं, जो जिस धर्म के उस धर्म के लोग गुरु को पंडाल करते हैं, इसमें क्या गलत बात? सवाल का जवाब हमारे साथ वाला की बात का है, योगेश सोनी जी वैश्य पत्रकार, कांग्रेस की बात की है, उनके वाक्यों को सीरियस लगता है न मैं सीरियस देने की जरूरत समझता। ठीक है, हो गया आपका। अब मैं आगे बढ़ू, हमारे साथ और भी मेहमान है, राहुल लाल जी वैश्य पत्रकार, उसके बाद योगेश सोनी जी के पास मैं चलूंगी, हमारे साथ जुड़ ही गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल लाल जी, आपसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कर्नाटक के चुनाव को, वहां ध्रुवीकरण की बात होने लगी है, ध्रुवीकरण दिख भी रहा है। आप देखिए कहां से चुनाव स्टार्टिंग की प्रक्रिया आप देखिए और अब एंड होने वाला है क्योंकि 10 तारीख को चुनाव है। अब देखिए स्टार्ट कहां से हुआ था, अब एंड कहां हो रहा है, पूरा का पूरा जो मूवमेंट है मुझे लग रहा है कर्नाटक चुनाव को लेकर के वो बदलता नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए मैं पिछले सप्ताह ही मैंने कुछ दिन जो है कि कर्नाटक में बिताए हैं हमने वहाँ पे, तो देखिए कर्नाटक का जो चुनाव है वो जो वहाँ की स्थितियाँ मैंने देखी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से सीधे स्थितियाँ दिख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है, कांग्रेस आगे चलते हुए नजर आ रही थी, तो ऐसे स्थिति में बीजेपी के पास पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। माननीय प्रधानमंत्री जी को आखिर क्यों कहना पड़ रहा केरल स्टोरी को लेकर, फिल्म बड़ी अच्छी है और केरल स्टोरी को लेकर फिर वो कांग्रेस के ऊपर आतंकवादी हमले के आरोप लगा रहे हैं वो, जबकि देखिए जो द केरला स्टोरी में जो स्टोरी दिखाई गई है और जो एनआईए और गृह मंत्रालय के जो आंकड़े हैं प्रीति जी, उसमें कहीं पर भी कोई तुलना नहीं है। 62 लोग जो है कि भारत से जो है कहीं ना कहीं आईएसआई के एजेंट
के संपर्क में आए थे और वो लोग आतंकवादी बने, एक भी उसमें फीमेल नहीं है। तो देखिए ऐसे फिल्म के निर्माताओं को 32,000 पे एक से घट के उनको 3 के संख्या पे आना पड़ा। तो जो एक, लेकिन कई ऐसी रिपोर्टें हैं जो ये बताती हैं कि आईएसआई के संपर्क में जो लोग आए थे उनमें से कई महिलाएं भी थी। नहीं, गृह मंत्रालय के आंकड़े नहीं पुष्टि कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब अगर वो फिल्म सही है तो केंद्र सरकार के वो आंकड़े गलत हैं, तो फिर उसमें विरोधाभास क्यों है? अगर वो आंकड़े गलत हैं तो फिर उसके लिए फिर तो सवाल फिर माननीय अमित शाह जी से ही पूछा जाएगा, गृह मंत्रालय से पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री ने जो कहा है केरल स्टोरी को लेकर आपने सुना, उन्होंने कहा है कि इस पूरे फिल्म में जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा जिस तरीके से दिया जाता और दिखाया गया, इसके पीछे पर्टिकुलर पार्टी जो है वो समर्थन करती और कभी भी इसका विरोध करते नजर नहीं आई। वो ये कह रहे हैं, मैं ये नहीं मानता कि एक तरह से कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय कांग्रेस को छोड़ दीजिए दूसरी पार्टियां भी, कि कोई आतंकवाद के साथ खड़ी हो गया। अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी आतंकवाद के साथ खड़ी है तो फिर ये बयानबाजी चुनाव के समय में नहीं होना चाहिए। तब तो फिर आपकी एनआईए क्या कर रही है, एनआईए कार्रवाई करे उस पार्टी के ऊपर, सब लोग समझते हैं। और दूसरा चीज की देखिए मेरी तो भावना है, मेरी भी आहत हुई जब बजरंग दल और बजरंग बली को एक समान बना दिया गया। ये स्थितियां कैसे आ गई इस देश में, आप सोच के देखिए। ठीक है, बजरंग दल के समर्थन में तर्क हो सकता है, विपक्ष में तर्क हो सकते हैं, लेकिन बजरंग दल कभी बजरंग बली नहीं हो सकते। पीएफआई से तुलना कैसे कर दीजिएगा आप बजरंग दल की? नहीं कैसे, अब एक चीज बताइए, वो तमाम हम लोग देखते हैं गुंडागर्दी के मामले में बजरंग दल का गुंडागर्दी में रिकॉर्ड नहीं है, मैं कहता हूँ महा रिकॉर्ड है। आप देखिए अभी जो भरतपुर समय जो घटना घटी थी जुनेद और उन लोगों के हत्याकांड में किसका नाम आया था, उसमें बजरंग दल के लोगों का नाम आया था। गो हत्या के नाम पे मॉब लिंचिंग में किसका नाम आता है, उसमें बजरंग दल का नाम आता है। आप अब और बजरंग दल ने अपनी ताजा तस्वीर दिखा दी, जो अभी दीपक जी कह रहे थे मध्य प्रदेश में हम लोगों ने वो वीडियो देखा कि किस तरह से कांग्रेस ऑफिस में गुंडागर्दी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। ठीक है ठीक है, योगेश सोनी वरिष्ठ पत्रकार, ठीक है सैयद जवाद हाथ उठा रहे हैं, उसके बाद योगेश जी मैं आपके पास आती हूँ। सैयद जवाद, केरला स्टोरी की बात हो गई है क्योंकि कर्नाटक में केरला स्टोरी की एंट्री हो गई है, बजरंग बली है ही ऑलरेडी वहाँ, ऐसे में ये पूरा का पूरा जो विधानसभा चुनाव है कर्नाटक का वो दूसरा ही दूसरे रुख में नजर आता है। और साथ ही गेम चेंजर कहा जा रहा है कि ये जो बजरंग दल को बैन करने वाली बात आई थी उसके बाद ये पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टो रहा उसमें सिर्फ ये एक लाइन वो गेम चेंज कर सकती है कांग्रेस का 10 तारीख को जो चुनाव होंगे उसके लिए। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए प्रीति इतनी देर में जो मूल मुद्दे थे वो कहीं स्किप हो गए। आप बोलिए ना मूल मुद्दे, आपको बुलाया गया मूल मुद्दे बोलने के लिए। हो गए 40% सरकार, 40% सरकार कमीशन खाने वाली, उसके ऊपर बात ही नहीं हो रही। और आज ही आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 2,500 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री, 500 रुपए का मंत्री, उसके बाद अगर आपको अपॉइंटमेंट होना एज ए प्रोफेसर 50 से 60 लाख रुपए, तमाम रेट लिस्ट जारी करी है। शायद मेरे यहाँ पे मित्र बैठे हैं ऋषभ तिवारी, यंग है, जोश जोश में ज्यादा बोल गए, लेकिन वो लिस्ट देख लीजिए, कांग्रेस ने जो है वो लिस्ट जारी करी है। हाँ। तो आपको थोड़ी संतुष्ट हो जाएगी। हाँ। मूलभूत समस्याएं जो है डबल इंजन सरकार बता नहीं पा रही है जनता। हाँ। की क्या थी? हाँ। महंगाई पे बात नहीं है, बेरोजगारी पे बात नहीं है, और वो एक छोटा सा चीज पकड़ ली बजरंग दल। अरे बजरंग दल और बजरंग बली, अभी दीपक भाई भी बता रहे थे, राहुल लाल भी बता रहे, तमाम लोग बता रहे। हाँ। लेकिन बजरंग बली का आशीर्वाद जो है वो मुझे लगता है कि कर्नाटक की जनता ने जो है वो कांग्रेस को दे दिया है। तीन समस्याएं हैं आज ही आप देखिए, एक इनकी समस्या ये है कि इनको एक दलित जो है अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके लिए क्या क्या साजिशें हो रही है भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं बता पा रहा है, और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कांग्रेस ने, उसके ऊपर कुछ नहीं बोले जा रहे हैं कि उनको हटा देंगे, उनकी फैमिली के ऊपर थ्रेट है। आपको पता है कौन है भारतीय जनता पार्टी के ये लोग जो है लोगों को धमकियां दे रहे हैं? अरे आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को जो है, आप उनकी फैमिली को साफ करने की बात कर रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, डबल इंजन की सरकार मणिपुर में भी है। सुनिए मणिपुर नहीं, अभी हमारे पास समय बहुत कम है, समय थोड़ा कम है। मणिपुर जल रहा है डबल इंजन सरकार में, मैं आती हूँ आपके पास। कर्नाटक और उस पे बात नहीं कर रहे, कर्नाटक मणिपुर पे करेंगे। जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, कर्नाटक का चुनाव करते रहेंगे। योगेश सोनी जी, कर्नाटक के चुनाव में हर तरीके के मुद्दे की एंट्री हो गई है। अभी आपने दीपक जी को भी सुना, राहुल जी को भी सुना, और साथ ही सैयद जवाद भी बोल ही रहे थे। ऐसा है प्रीति, देखिए एक बात तो तय हो गई कि अहम मुद्दों पे कहीं कोई चर्चा है नहीं। मैं कुछ अपने साथियों से सहमत हूँ कि जहां बात होनी चाहिए
क्या इन सब बातों से करके कहीं कोई जनता का भला आपको नजर आता? चलिए कांग्रेस बीजेपी कहती है कि चलो बजरंगबली वाली बात है, उधर विपक्ष कह रहा है बजरंग दल अलग है, ये सब अलग है, इन बातों का कुछ शब्द अर्थ है? अगर कोई समझदार आदमी इसकी गंभीरता को समझे और देखे कि चुनाव में पता नहीं मूल मुद्दे कहाँ चले गए हैं, और जो वार हो रहे हैं वो निजी वार हो रहे हैं, कोई किसी की जाति को बता रहा है, कोई कह रहा है कोई किसी जाति का अध्यक्ष है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो बीजेपी राष्ट्रपति जो बनाती वो मुर्मू साहिबा को बनाती तो उसका क्या अर्थ होता था? एक आदिवासी महिला को ये स्थान दिया। तो जो बातें हम लोग करते हैं ना, इस बात का ना कोई शब्द है ना कोई अर्थ है। मुझे ऐसा लगता है चुनाव में चुनावी बातें होनी चाहिए, वहां पर हर एक आदमी को अपना वो बल झोंकना चाहिए जिससे हम उस मुद्दों पर चर्चा कर पाए। हम देखिए आज स्थिति कहाँ है चुनाव की, अगर आज देखिए क्या मानसिकता की, चलिए मैं कह रही हूँ क्या कह रहे हैं मूल मुद्दे नहीं है, मैं कह रही हूँ बजरंगबली का मुद्दा क्या क्या कांग्रेस की हार का कारण बनने वाली है कर्नाटक में। देखिए ऐसा होता है कि इन बातों की कोई तयशुदा प्रमाणिकता नहीं होती है, क्योंकि जिस तर्ज पे बीजेपी राजनीति कर रही है। अरे एज एन पत्रकार योगेश जी, आप तो कैंपेनिंग देख रहे होंगे, हाँ बताइए। मैं इसका उत्तर आपको दे रहा हूँ प्रीति, इन सब बातों की कोई तयशुदा प्रमाणिकता तो नहीं है कि ये शब्द ये वाक्य ये एहसास किसी के दिल में कितनी देर तक घर करेगा, हाँ। और ये कहां तक उसका माइंडसेट होगा, हाँ। तो बेसिकली जो चुनावी स्थिति है वो दो धर्मों के बीच में आके सिमट जाती है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों की बजाय, इन सब चीजों का एहसास दिलाने की बजाय अहम चीजों पर चर्चा हो तो ज्यादा बेहतर। महंत रामदूत, महंत रामदूत, पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले कांग्रेस के लोगों ने भगवान राम को ताले में बंद किया, अब हनुमान की बारी है, हनुमान जी को भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी बंद करने की कोशिश की जा रही है बजरंग दल पर बैन के ऊपर, बताइए। पहले तो सबसे आखिरी में जो वक्त मिला हमें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो थोड़ा वक्त ज्यादा लूंगा आपका, कोई बात नहीं, बोलिए। आज मुझे कहीं ना कहीं दुख भी हो रहा है और थोड़ी हंसी भी आ रही है, हाँ। कि भारत की राजनीति आज वर्तमान स्थिति में कहां से कहां पहुंच गई है। जो भक्ति दर्शन का विषय हुआ करती थी, जो सनातन संस्कृति में हमारी सनातन धर्म है, जो देवी देवता दर्शन के विषय हुआ करते थे, आज वो प्रदर्शन का विषय बन के रह गए। कभी चुनावी मुद्दे में राम जी का मुद्दा आता है, कभी चुनावी मुद्दे में परशुराम जी का मुद्दा आता है, अब तो हनुमान जी आ गए। तो मैं कहीं ना कहीं आज राजनीतिक रूप से नहीं, धार्मिक रूप से अगर मैं अपना मत रखूं तो जो हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े अपने जीवन में कार्य किए हैं, लंका जलाया, सीता जी की खोज की, लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाए, जब उन्होंने इतने बड़े काम करने के बाद स्वयं के नाम का इस्तेमाल नहीं किया, कभी अपना नाम मांगे, ठीक है ना, अच्छा है, चुनाव से पता चलेगा हनुमान जी का आशीर्वाद किस पार्टी के साथ है, क्या प्रॉब्लम है आपको? देखिए इसमें ये नहीं है कि चुनाव में पता चले, मैं ये मानता हूँ कि प्रति व्यक्ति अकेला कोई राजनेता ये डिसाइड नहीं करवाएगा कि आप राम जी के अच्छे भक्त हैं या आप नहीं है, अपितु जनता। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं नहीं तो फिर आप ठीक है, इसका मतलब ये है कि महंत रामदूत जी आम जनता है। अच्छा मेरे सवाल में एक व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष कोई महंत रामदूत जी, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आप इस तरीके की जो परिस्थिति बनाई जा रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब क्या वोट बैंक या सरकार बनाना, मेरी आवाज आ रही है आपको रामदूत जी? मेरी आवाज आ रही है आपको? तो आपको मेरी आवाज आ रही है जी? हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है क्या आपको? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए मैं पीसीआर से निवेदन करूंगी, जरा आपसे संपर्क साधे दीपक झा जी, कहीं ये हनुमान जी का नारा, जय श्री राम का नारा कहीं लुटिया ना डूबो, अगर हनुमान जी का आशीर्वाद नहीं मिला कांग्रेस को, 150 के सपने हो कहीं फिर से धरे के धरे ना रह जाए। फिर से मैं वही कहूंगा, बजरंग दल के ऊपर अगर सवाल उठता है तो इनको आगे सफाई देना चाहिए। समझ नहीं पाई, ठीक है आप तो कह रहे हैं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मुझे समझाइए, मुझे समझाइए। आप कह रहे हैं कि बजरंग दल अलग है, बजरंग बली का मुद्दा अलग, मैं मानती हूँ दोनों ही अलग अलग बातें, लेकिन अगर एक सेकेंड जब मैनिफेस्टो में आपने खुद लिख दिया कि भाई हम जीत कर आएंगे तो बजरंग दल और PFI को बैन करेंगे, ठीक है आपने लिखा, उसके बाद आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि जहां आपने देखा कि जैसे ही लगातार बीजेपी ये कह रही है कि हम बजरंगबली के साथ हैं, बजरंगबली के साथ है, वो किस नैरेटिव से कह रही है उससे हमारा कोई मतलब नहीं। अच्छा। है लेकिन आपने ये कहा, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया
कि हम जीत कर अगर आते हैं तो हम पूरे राज्य में जगह जगह हनुमान मंदिर बनवाएंगे। ये फिर कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, फिर लगता है कि आप सोच रहे हैं। पहले आपने कहा इससे कोई रिलेशन नहीं है, फिर इसमें सफाई क्यों, इस पर ये इसको लीपा पोता क्यों कर रहे हैं? आपने लीपा पोता स्पष्ट कर दिया ना, बजरंग बली और बजरंग दल अलग है। पहले बोले यस दोनों अलग है, फिर हम बात करेंगे बजरंग दल पे। हम बजरंग दल पे बात करेंगे ना, हनुमान जी पे तो बात नहीं करेंगे। तो हनुमान जी का मंदिर बनाना तो सौभाग्य की बात है ना। कमलनाथ जी ने बनवाया है छिंदवाड़ा में मंदिर, जाके देख के आइएगा, दर्शन करके आइएगा। 100 फुट से ऊपर की मूर्ति है, कमलनाथ जी ने बनवाया है, तो हर जगह बनवाएंगे। दूसरी बात, बजरंग दल के कारनामे बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध को मार देते हैं। ये बजरंग दल के कार्यकर्ता थे ना, बजरंग दल के लोग उन बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल माला से उपहार सुसज्जित करते हैं, स्वागत करते हैं। बजरंग दल का कारनामा इसमें राष्ट्र की भक्ति है और ये संस्कार है। जवाब देंगे भाजपा वाले लोग, ये कौन सा संस्कार है कि बलात्कारी रिहा होते हैं और बजरंग दल के लोग उनको जाके फूल माला पहनाते हैं। तो ऐसे चरित्र हैं बजरंग दल के। और सुनिए, 2008 में चर्च पे हमले हुए थे, कर्नाटक की बात बता रहा हूं मैं, और उस समय येदुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कमेटी गठन किया था बीके सोम शेखर की अध्यक्षता में, जो कि जज थे हाई कोर्ट के। उन्होंने माना था कि यहाँ पर हमलों में सारे के सारे बजरंग दल के लोगों का हाथ है, और उसके ऊपर मानने के बाद, लेकिन येदुरप्पा जी ने कार्रवाई नहीं किया था क्योंकि उनके ऊपर दबाव था पार्टी का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वीकेंड के हमारे स्पेशल प्राइम टाइम डिबेट शो में। वापस चलेंगे, आप समय बहुत कम होता है, तमाम मेहमानों को अपनी अपनी बातें करनी होती है, इसलिए ज्यादा मैं समय नहीं लूंगी, अपने मेहमानों के पास चलती हूँ। दीपक झा ने अपनी बात कही है। राहुल लाल जी से मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, आप कह रहे हो मैं आती हूँ, क्या कहेंगे आप 10 सेकंड में बताइए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो भाजपा प्रवक्ता बजरंग दल को धर्म का ठेकेदार, भारतीय संस्कृति का प्रचारक मान रहे हैं, इनको ठेका किसने दे दिया भाई? भारत के देश, भारत की जनता, भारत के संविधान के अनुसार चलेगी। कौन महिला, कौन पुरुष कैसे कपड़े पहनेगा, क्या खाना खाएगा, ये अपना व्यक्तिगत हित है, व्यक्तिगत मत होगा, और कैसे चलेगा वो भारत का संविधान तय करेगा। किसी महिला को, राहुल लाल जी नहीं, किसी कोई महिला क्या कपड़े पहनेगी? बजरंग दल के गुंडे भाजपा नहीं तय करेगा। PFI आप कह रहे गुंडे, मैं कह रही हूँ PFI आतंकी संगठन है। क्या बजरंग दल आतंकी संगठन है? आप कहेंगे आतंकी संगठन है? बोलिए राहुल जी। ऊपर ये आरोप था कि 2047 तक में वो देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने जा रहा है, यही आरोप तो सबसे बड़ा आरोप था कि इस्लामिक राष्ट्र बना रहे हैं। एक संगठन अगर इस्लामिक राष्ट्र की बात कर रहा है तो उसके ऊपर हम लोगों के बिल्कुल हम लोग गुस्से में क्रोधित हो जाता है, होना भी चाहिए। योगेश सोनी बोलो, कौन कर दिया, लौट दीजिए दोबारा। उसी तरह से जो दूसरे संगठन यानी बजरंग दल, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जैसे इस्लामिक राष्ट्र की बात करना पूरी तरह से गलत है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र की बात करना भी पूरी तरह से गलत है, असंवैधानिक है ये। तो अब ऐसे स्थितियों में उसके गुंडागर्दियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। उन्होंने देश भर में तमाम जो उन्होंने मॉब लिंचिंग किया, तमाम दूसरी प्रकार की घटनाएं की हैं, वो बजरंग दल की वो लिस्ट कहीं से भी कम नहीं। और कर्नाटक की जनता इसको सीधे सीधे समझ रही है। इस समय होना यह चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या उन्होंने काम किए, क्या उन्होंने सूची है, उनके कामों की क्या सूची है, वो अपने उपलब्धियों की गिनती कराते। लेकिन क्योंकि वो उपलब्धियों की सूची नहीं है, इसलिए इस प्रकार के भावनात्मक मुद्दों को जवाब इसका, ऋषभ तिवारी इसका जवाब दीजिए। आपके पास क्या कामों की सूची नहीं है? 5 साल कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, क्या आपके पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं जिसको आप गिना के वोट मांग सके? बोल रहे प्रीति जी, मैं बहुत शांति से सुना, बहुत सारे आरोप लगे, अनगन बातें की गई, मुझे शांति से जवाब देने दिया। बोलिए बोलिए। सबसे पहले आपके पैनलिस्ट में सैयद जी बैठे हैं, काफी बड़े स्कॉलर हैं, अच्छा डिबेट करते हैं, अच्छा रिसर्च भी वो करते हैं। मैं उनको बता दूं, मूल मुद्दे जो कह रहे हैं छूटे जा रहे हैं, और काम की जो बात हो रही है मैं बता दे रहा हूं, इसी कर्नाटक के अंदर 56 लाख किसानों को डायरेक्ट किसान निधि दी गई, इसी कर्नाटक के अंदर 40 लाख ऊपर लोगों के घर में बुनियादी सुविधाएं जल पहुंचाए गए। 70 साल के बाद इस कांग्रेस को याद तक नहीं आई कि पानी भी देना चाहिए। इसी कर्नाटक के अंदर 4,10,000 घरों में प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया, इसी कर्नाटक के अंदर 4 करोड़ लोगों तक बकायदा सरकार की डायरेक्ट पहुंचाई गई, इसी कर्नाटक के अंदर मुख्यमंत्री बन सकता है, इसी भाजपा के विधायक ने कहा, इसी कर्नाटक के अंदर करोड़ों रुपए लेते हुए भाजपा का विधायक पकड़ा जाता है, भाजपा विधायक का बेटा पकड़ा जाता है, यही कर्नाटक में भाजपा का विकास है, यही कर्नाटक है जहाँ पे 40% कमीशन खोरी होती है, एक IAS से लेकर एक SI तक की रेट लिस्ट है कि किसका ट्रांसफर किसकी पोस्टिंग में होगा। ये भाजपा का राज है, जनता ने देख लिया है, और जनता पढ़े लिखे है भाई साहब, आप जैसे लोग पढ़े लिखे होते ना थोड़ा सा अच्छा होता,
क्योंकि आप तो जनता को बरगलाने में लगे हो। बजरंग दल बजरंग बली एक ही है भैया, लेकिन एक नहीं है। जनता अब आपको धूल चढ़ा देगी। प्रीति जी बहुत अच्छे से महंगाई पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे। 40 करोड़ झगड़ा जा रहा था, कौन सा नेता था भैया? और इनके नेता तो खुद आतंकवादियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आज ही मैं एक वीडियो आपको ऑडियो सुना रहा हूँ जिसमें माननीय कांग्रेस के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की प्लानिंग की जा रही है। ये है भाजपा, आज देश शर्मिंदा है। आज देखिए मैं आपको सुना रहा हूँ। ऋषभ जी सुनिएगा, ये आपके नेता है माननीय अध्यक्ष के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष को मारने की साजिश रची जा रही है भाजपा के नेताओं के द्वारा। ये मणिकांत राठौर है, एक भाजपा का एमएलए है, कैंडिडेट है, वो चुनाव लड़ रहा है और वो तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से मारेंगे। मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है योगेश जी, जैसा कि कह रहे हैं दीपक जी, सवाल पूछा रहे, आप एंकर बन जाइएगा, आप सब एंकर बन जाइए, आप सब एंकर बन जाइए। ऋषभ जी ठीक है, क्या कर्नाटक चुनाव में योगेश सोनी जी शानदार दंड भेद का प्रयोग होने लगा है, शानदार दंड भेद। देखिए प्रीति, स्पष्ट है कि कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पिछले जो आंकड़े हैं उसमें उन्होंने कांग्रेस को अच्छी खासी टक्कर देते हुए दिखाया है, बल्कि विजय प्राप्त करते हुए दिखाया। लेकिन वही दूसरी ओर बीजेपी अपने हाथ से कोई अपना राज्य नहीं जाने देगी। और देखिए बीजेपी की अपनी खास बात यह है कि कोई भी स्तर हो उसी स्तर को हमेशा बुराने का सफल प्रयास करती है, जो एक अच्छी राजनीति का काम भी होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए उच्च से लेकर निच स्तर तक जितनी भी चीजें, जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी जो आपने शब्द बहुत अच्छा प्रयोग करा, श्याम दाम दंड पे, उस तर्ज पे राजनीति करती है। और अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि अपनी मौजूदा सरकार से किसी भी उसका जाना बहुत मुश्किल है। 2024 हमारे सर पे खड़ा है। मुझे लगता है कि इसका एक तरीके से जिसको हम सेमीफाइनल कह देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी 224 विधानसभा सीट है ये राज्य, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण होगा। ठीक है, सही है जवाब, जल्दी से सही है जवाब। क्वेश्चन किया है उससे जवाब ले, सही है जवाब, जिससे मैंने क्वेश्चन किया उससे जवाब, जवाब दे रहे, सुन लीजिए थोड़ा सा, जवाब दे रहे, सही है जवाब, जल्दी से। हाँ प्रीति, प्रीति प्रीति भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऋषभ ने ये बताया कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट के रास्ते के अंदर जो 8 खोखे एकदम ओके पकड़े गए थे उसके बारे में बताना भूल गए। अगर उसके बारे में बता देते, ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, अरे ना घंटी बजा रही, ना वहाँ पे घंटा बजा रहा है, कुछ तो भाई थोड़ा लिहाज करा जाते। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब उधर जो है कांग्रेस ने एक पूरी लिस्ट जारी कर दी है, ठीक है, 2500 करोड़ रुपए का चीफ मिनिस्टर, 40% आपका कमीशन खाने वाली सरकार। अच्छा, तीन मूलभूत समस्याएं जिससे भारतीय जनता पार्टी हेड विकेट हो गई है, वो पहली थी आपकी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की, और आपको पता है कि साउथ के अंदर उसको कितना समर्थन मिला था, और पूरे भारत के अंदर जो है कांग्रेस के अंदर एक अलग सी नई करवट, उसका परिणाम हम देख रहे हैं। दूसरा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो आपको पता है वो पूरा साउथ को जो है एक की तरफ से नैरेटिव उनका चल रहा है, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जान के पीछे भी पड़ गई है, और मेरे लिए बड़ी शर्मनाक बात है और देश के लिए भी शर्मनाक बात होना चाहिए, क्योंकि इनको एक दलित अध्यक्ष कांग्रेस का वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले एक महिला अध्यक्ष बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो आए दिन उनके ऊपर महिला विरोधी टिप्पणियां करी जा रही थी कि वो जर्सी गाय हैं और वो विधवा हैं, तमाम ऐसे एलिगेशन लगाए गए जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लगाए जाते रहे। उनकी समस्या क्या है, वो हमेशा ऐसे कार्ड खेलेंगी जो धर्म की पिच के ऊपर होंगे,
धर्म आधारित मुद्दे होंगे जो गैर संवैधानिक है। कांग्रेस ही लेके आए धर्म का एंगल। चलिए तुष्टीकरण करिएगा और बोलिएगा हम लोग साफ 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 है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं तुष्टीकरण कर रहे हैं। अरे रहने दीजिए, वो कुछ बोल नहीं करना। असांप्रदायिक संगठनों को प्रतिबंधित करने में कहां कहीं प्रधानमंत्री ने साफ साफ आज कहा है कि कांग्रेस का चाल चरित्र सामने है, तुष्टीकरण करती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री जी का चाल चरित्र सामने में, जब वो कहते हैं कि कपड़े देख के पहचान कर लेता हूं, तो वहां पर प्रधानमंत्री जी सामने में दिख जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। कर्नाटक की स्थिति यह है कि कर्नाटक में चाहे आप देखिए, वहां पे अमीरी और गरीबी की खाई इतनी बड़ी हो गई है कि जो अलग अलग समर्थक, चाहे वोकालिंगा जिसको हम लोग कहते थे, दूसरे समूह है, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी को कुछ लोग जो समर्थन करने वाले जाति समूह थे, उनका भी जो निचला और मध्यम वर्ग है, गरीब तबका है, वो भी उनसे आज नाराज चल रहा है। ये कर्नाटक की जमीनी स्थिति है, यानी बहुत ज्यादा जटिल जाति समीकरण भी वहां पे टूटते हुए दिख रहे हैं। इस समय महंगाई और भ्रष्टाचार के जैसे जो गंभीर आरोप हैं, और लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। जो लोग ये चाह रहे हैं कि वो चुनाव कहीं पटरी से हट जाए, प्रधानमंत्री बिल्कुल चाह रहे हैं कि चुनाव पटरी से हट जाए, लेकिन जमीनी स्थिति बनी हुई है और कांग्रेस उन जमीनी मुद्दों के साथ अभी भी जुड़ी हुई है। ऋषभ तिवारी जल्दी से, हाँ दीपक झा भी कुछ कह रहे हैं। दीपक झा बोलिए, पहले दीपक झा फिर आपके पास आते हैं, बोल लें, बोल लें पहले, बोल लें। वो स्टेट है जहाँ पे किसान जो फार्मर्स हैं सुसाइड करने में नंबर दूसरा स्थान है, तो भाजपा की सरकार पिछले 7-8 सालों से वहां पर है, तो भाजपा और ऋषभ तिवारी इसको बारे में जवाब दें कि कैसे नंबर वन बनाएंगे, सुसाइड में नंबर वन बनाएंगे भैया। तो ये देश की जनता को बरगलाने की कोशिश करे और कोई नहीं, झूठ की बात तो नरेंद्र मोदी जी करते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात नरेंद्र मोदी जी करते, नाक के नीचे बेटियां बैठी हुई हैं और शर्म नहीं आ रही सरकार को। ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग प्रीति जी जवाब लेकर देंगे और देश की रक्षा करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे। यहाँ सड़क पे है प्रीति जी, अरेस्ट करो भैया, लेकिन नहीं, भाजपा का चरित्र और संस्कार आज पूरे देश ने देख लिया, नरेंद्र मोदी जी का भी संस्कार पूरे देश ने देख लिया। कथनी और करनी में कितनी भिन्नता है नरेंद्र मोदी जी का, भाषण बहुत अच्छा देते हैं नरेंद्र मोदी जी, नो डाउट, लेकिन भाषण में सच्चाई 2% बोलिए, शायद 2% अगर सच्चाई होती तो देश का बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भाषण में 2% राहुल गांधी दीपक झा जी ये लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि जनता नाराज है, बहुत अरे जनता नाराज नहीं है भैया, फिर बताओ ना महंगाई की मार से कब मुक्त कर रहे जनता को, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं लेकिन बेटियां नाक के नीचे हैं, आप इससे बात भी नहीं करते, आप बजरंगबली को आप हनुमान जी को ले आते हैं। केजरीवाल और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रोड शो कर, केजरीवाल और भगवंत मान जलंधर में रोड शो, आज उनका प्रोग्राम था और ऐसे में जलंधर में पहुंचे हैं, रोड शो कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो लगातार भगवंत मान और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने वादों को एक बार फिर से, वहां पर वादों के साथ उनका नारा भी यही है कि हम आते के साथ अपने तमाम कई ऐसे वादे रहे जिसे हमने पूरा किया है, लोगों का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। बिल, बच्चों को नौकरियां मिलने लग गई,
बच्चे पक्के होने लग गए, किसान भी खुश, महिलाएं भी खुश, युवा भी खुश। अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं, अभी एक साल हुआ है। अब 10 तारीख को जलंधर का चुनाव है। जलंधर में पिछले 60 साल से 60 ईयर्स आप कांग्रेस को वोट देते आए, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आपसे 11 महीने मांग रहा हूं, अगले साल इसी टाइम प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, दोबारा जलंधर में चुनाव होगा, 11 महीने दे दो, अगर हम काम ना करें अगले साल वोट मत देना। मंजूर है? नंबर का बटन झाड़ू का, दूसरे नंबर का सुशील रिंकू का बटन दबा के सुशील रिंकू को अपना सांसद बनाना, लोकसभा में भेजना, और जैसे मैंने कहा अगर 11 महीने के अंदर हम काम ना करें अगली बार हमें वोट मत देना। अब मैं मान साहब से निवेदन करूंगा, गेस्टों के पास वापस चलते हैं। और आपने से देखा जलंधर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। वापस चलते हैं हमारे साथ तमाम मेहमान ऋषभ तिवारी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। तमाम मेहमान डिबेट में एक बार फिर से, राहुल जी भी अपनी बात कह रहे थे। एक बात, बिल्कुल एक बात हमें समझने की आवश्यकता है कि हर चुनाव के मुद्दे में हम विकास की बात लाते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग धर्म को लाएंगे फिर सवाल खड़ा होगा तो कहेंगे आप लोग धर्म को ला रहे हैं। नहीं नहीं आप लोगों ने मिला है, आप सिर्फ ये कहिएगा कि सिर्फ कांग्रेस लोग लेकर आ रहे तो गलत है, क्योंकि पत्रकारिता में योगेश सोनी भी बैठे वो भी कह रहे हैं। पैनलिस्ट ने आपने कहा कि जनता सूझबूझ के साथ देख रही होगी, बिल्कुल जनता ये देख रही है। हनुमान जी भी बैठे थे, हनुमान जी भी बैठे थे। अरे आप लोग सुन तो लीजिए, अपने आप में लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जनता को क्या समझ में आ रहा होगा, पता नहीं कौन सा एजेंडा पढ़कर आते हैं आप लोग, सबके सब यहाँ पर आकर पढ़ने लग जाते हैं। सवाल मेरे से था प्रीति जी, तो मैंने तो कहा रुक जाइए थोड़ा सा, रुक जाइए थोड़ा सा, थोड़ा तसल्ली रखिए। मैं ये कह रही हूँ अभी डिबेट शो में ही महंत हनुमंत दास जी थे, उन्होंने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब हनुमान जी को लेकर भी राजनीति होने लगी है। बोलिए मेरे से सवाल है, आप ही से जी, यही तो कह रहे थे आपको तसल्ली नहीं है। जब जब राम जी पे सवाल करेंगे, उन्हें काल्पनिक कहेंगे, तो एक जिम्मेदार पार्टी के नाते हम राम जी के अस्तित्व की बात जरूर करेंगे। अरे धार्मिक गुरु कह रहे हैं, साधु संत कह रहे हैं, उस पर कौन क्या बोल रहे हैं? तो हम साधु संत कह रहे हैं कि बहुत बहुत दुख की बात है, साधु संत कह रहे हैं देश के बहुत दुख की बात है, हनुमान जी को कांग्रेस बीजेपी मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं। ये साधु संत ने ही कहा है कि पहली बार मंदिर बनाने की घोषणा साधु ने मान ली है। राहुल जी बोलिए, हनुमान जी का केवल चुनाव में प्रयोग करता, अगर भगवान राम पे आपका विश्वास होता है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अभी नहीं होते, उन्होंने तमाम बयान दिए उसके बावजूद भी वो बने हुए हैं, कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, तो आप लोगों का केवल भगवान से वास्ता, चुनावी किसी का वास्ता है? आप चुनाव के समय केवल भगवान का मामला उठाते हैं, कर्नाटक की जनता ये जान चुकी है, ऋषभ आपको वहाँ पे मूलभूत मुद्दे जो कांग्रेस उठा रही है 40% भ्रष्टाचार के मामले, उसके ऊपर आपको सटीक जवाब देना चाहिए था कि क्या स्थिति है वहाँ पे, हम भ्रष्टाचार से निपटने के लिए क्या प्रयास करेंगे, और जो मूलभूत मुद्दे है उन मुद्दों का जवाब न देते अपने राहुल जी से एक सवाल है। राहुल जी, आज से सोनिया गांधी जी की भी एंट्री हो रही है, शाम को रोड शो करेंगी, सोनिया गांधी की एंट्री को कैसे देखा जाए? क्या सोनिया गांधी की एंट्री रैली के तौर पर, राहुल गांधी भी होंगे उस रैली में, क्या गेम चेंजर का काम कर सकती है? बिल्कुल करेगा। देखिए सोनिया गांधी लगभग 4 साल बाद जो है कि इस प्रकार के किसी रैली में, वो चुनावी रैली में जा रही है, वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, और वो देखिए कौन सा सीट है, सटार जी का सीट है, जिनको जगदीश सटार को हराने के लिए, चूंकि वो अगर वो सच्ची बात बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ आए, तो माननीय गृह मंत्री जी जिनको कि मणिपुर नहीं देखा जा रहा है, मणिपुर में शांति से मतलब नहीं है, वो लगातार बयान दे रहे हैं कि किसी भी तरह से जगदीश सटार को हटाओ, हुगली सेंटर से उनको किसी भी तरह से हराया जाए, तो इसलिए वहां पे तमाम दिग्गज जमा हो रहे हैं और सीधे सीधे कर्नाटक की जनता को संदेश दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिस तरह से और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पे होंगे, वो कर्नाटक के चुनाव में बड़े मील का पत्थर का साबित होगा, और ये आज का जो 6 बजे शाम का जो ये
संबोधन है, ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण संबोधन होगा कर्नाटक के संदर्भ में, चूंकि हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने भी कितनी बड़ी कठिन चुनौती दी थी 1998 में। योगेश सोनी जी, हाँ, और उसके बाद वहां से उनका रिश्ता काफी पुराना रिश्ता है पूरे सेक्शन से। क्या क्या अब धर्म के मुद्दे से हटकर थोड़ा राजनीति के मुद्दे पे आते हैं, क्या सोनिया गांधी आज कूद रही है चुनाव के प्रचार में और बहुत कम समय बचा है, 10 तारीख को वोटिंग है, सोनिया गांधी है बीजेपी के स्टार प्रचारक जितने हैं अब टॉप के तीन पे, प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा गृह मंत्री और साथ ही जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं सब आपको आज नजर आ रहे होंगे, साथ ही सोनिया गांधी 6 बजे करेंगी जब रैली को संबोधित करेंगी। ऐसे में सोनिया गांधी का अब जा करके अंतिम क्षण में कूदना, क्या बीजेपी को ये करारी टक्कर देने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कह रही है हम जीतेंगे और 150 से ज्यादा हमारी सीट आएगी। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि सोनिया गांधी की एक ही रैली से वहां से चुनाव वो जीत जाएंगी, और हमारे साथी मित्र ने अति उत्साहित होकर बता दिया कि उसकी रैली खेल कर देगी, कमाल कर देगी, ये बात कहां तय होती है। स्वयं प्रधानमंत्री वहां रैली कर रहे हैं, उस बात का क्या अर्थ हुआ? स्वयं जेपी नड्डा वहां रैली कर रहे हैं, इनकी रैलियों से अगर एक तरफा चुनाव हो जाए तो क्या मतलब है? जो जनता को समझ में आएगी इसका मतलब ये नहीं है, आपसे मतलब समझ में नहीं हुआ कि मतलब इसका ये है कि हम लोग अभी तक देखिए कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगता था कि कांग्रेस चुनावी प्रबंधन सही नहीं करती है, हम लोग तमाम आप देखें चुनाव प्रबंधन के मामले में भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रहती थी, ये बात मैं हमेशा कहता था, लेकिन कर्नाटक के मामले में आपने पुराने गलतियों से भूल सुधार की है। देखिए आप चुनाव के समय में नहीं, आपने बिल्कुल अगर चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री है पूरा का पूरा सिस्टम है, ऐसे स्थिति में अगर सोनिया गांधी अस्वस्थ स्थिति में भी अगर जाके चुनाव प्रचार कर रही है तो ये कांग्रेस की उसी रणनीति को दिखा रहा है। नहीं तो देखिए आपने इसके पहले गुजरात चुनाव को भी देखा था, आपने गुजरात चुनाव में राहुल गांधी की कितनी रैलियां हुई थी, वहां पे कांग्रेस ने कितनी रैलियां की थी, तो वो उस समय जो आलोचना के दायरे में तमाम चीजें आई थी, अतीत में जो गलतियां थी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन गलतियों से कांग्रेस ने सीख ली है और कांग्रेस भी बिल्कुल आमने सामने का टक्कर दे रही है। ये लाइन में बोल रहा हूं आपको, अगर ऐसे क्या बोलिए तो बिल्कुल सही चीज मैं बोल रहा हूं, अगर सही चीज आपको आप अगर नहीं समझ पा रहे थे आपकी समस्या नहीं है, आमने सामने दोनों के बीच में बिल्कुल ये कठोर प्रतिक्रिया। योगेश जी आप एक्चुअली आप बहुत खुश है इसलिए बोलना नहीं चाह रहे हैं। ऋषभ तिवारी जी, मोदी फैक्टर क्या काम करेगा, क्योंकि दूसरे एक तरफ तो कांग्रेस का फैक्टर इसमें सोनिया गांधी आ रही है उनके चेहरे पर, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश है कि वहां के लोग जो वोट करेंगे अब मोदी के चेहरे पर करेंगे, क्योंकि 5 साल में जो कर्नाटक में हुआ वो वहां की जनता ने देखा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस से सोनिया गांधी आ रही है, तो क्या अब ये कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी का फैक्टर भी सामने आएगा कि इनके चेहरे पर वोट दीजिए? राहुल जी पहले बताएंगे, उसके बाद फिर मैं आऊंगी ऋषभ तिवारी के पास। जल्दी से राहुल जी, दोनों फैक्टर है, मैंने देखे कहा है कि ये देखिए ये काफी मोदी फैक्टर भी उसमें भी बोलिएगा, सोनिया फैक्टर। देखिए प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो क्या उनका प्रभाव नहीं पड़ता? पड़ता है उनका प्रभाव। मैंने हिमाचल प्रदेश में जो स्थितियां मैंने जमीन पर पहले देखी थी उनके चुनाव प्रचार से पहले, वहां पे अगर प्रधानमंत्री चुनाव ना करते 20 सीट कांग्रेस को आना बहुत मुश्किल, बीजेपी को आना बहुत मुश्किल हो जाती, तो वो डबल तो वो स्थितियां उन्होंने बदली। आप देखिए 1% का वोट शेयर का अंतर रहा, तो वो उसी तरह से जब दीपक जी के पास सोनिया फैक्टर काम करेगा क्या? कर्नाटक सोनिया जी का फैक्टर बिल्कुल काम करेगा, और देश की जनता कर्नाटक की जनता देख रही है, क्योंकि भाजपा प्रवक्ता यहाँ बैठ के मोदी जी का काम गिना रहे हैं, तो मोदी जी वही है, कहते हैं तुम चुप रहो। किसको कहा था मोदी जी ने? एक राज्यपाल को कहा था, और राज्यपाल ने क्या बताया था कि हमारे 40 जवान शहीद ना होते, बच जाते अगर आप इनको जहाज दे दिए होते। तो मोदी जी कहते आवाज मत निकालना, राष्ट्रपति बनना था, क्या पता राष्ट्रपति बनना था? जनता देख रही है, कुछ नहीं कह रहे थे भाजपा, उन 40 जवान शहीद जवानों की हत्यारी पार्टी, मैं बता रहा हूँ भाजपा ने उन 40 जवानों को सोनिया गांधी के चेहरे पर क्या कर्नाटक वोट देगी? जवानों का जो मातृभूमि के नाम पे शहीद हो गए 40 जवान, अरे शर्म आपको आनी चाहिए, देश को माफी मांगे। 40 जवान शहीद हो गए और मोदी जी कहते हैं चुप रहो, कपड़े बदलने में लगे थे, जिनमें 5 फंक्शन करते हैं मोदी जी, तो 5 तरह की ड्रेस बदलते हैं। शर्म आती है आपको कि नहीं आती है? देश में थोड़ी सैनिकों के नाम पे बातें करते हैं आप, थोड़ी सी शर्म सबूत दो दे दिया सबूत सत्यपाल मलिक ने, इसके बाद भी सबूत चाहिए, इसके बाद भी सबूत चाहिए। अच्छा ये भी तो सच है,
ये भी तो सच है कि राष्ट्रपति बनना था, राष्ट्रपति बनना था, राष्ट्रपति बनना था, राष्ट्रपति बनना था, उनका इंटरनल मामला भैया मेरे को कोई नहीं मतलब, राष्ट्रपति बनना था, सबूत दे दिया उन्होंने सत्यपाल मलिक को, राष्ट्रपति बनना था, क्या नहीं बनना था, मोदी फैक्टर, कितना काम करेगा कर्नाटक में, मोदी फैक्टर कितना काम करेगा कर्नाटक में, मोदी जी के चेहरे पर क्या कर्नाटक के लोग वोट करेंगे, मोदी फैक्टर, 40 जवान शहीद हो चुके हैं और उसका वजह है प्रधानमंत्री जी, अरे दंगे पार्टी वाले प्रवक्ता जवानों के नाम पे राजनीति करने वाले करने वाले लोग यहाँ पे आके भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, मेरी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी, आप लोग समझिए, समय कम है, प्लीज शुरुआत करेंगे, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ बैठे हुए, फाइनल कमेंट दीजिएगा, महंत रामदास जी। जी आज किसी कारण की वजह से समय नहीं मिल पाया, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि राजनीति अगर धर्म के दिशा निर्देशों में हो तो जायज है, लेकिन अगर धर्म से आप अगर राजनीति कर रहे हैं तो देश को कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ऐसी राजनीति देश में चाहे वो बीजेपी कर रही हो, कांग्रेस कर रही हो, भगवान का इस्तेमाल, भगवान की ठीक है, बहुत बहुत छोटा रखिए, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ऋषभ तिवारी फाइनल कमेंट, पार्टी लाइन समय आती है आपके पास, ऋषभ तिवारी पार्टी लाइन। प्रीति जी देखिए हम विकास छोटा रखिए जानते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार पार्टी तौर पे अगर कोई अनर्गल आरोप लगाता है तो उसका जवाब भी देंगे। दूसरी बात, एक तो विषय यहाँ कहा गया था पुलवामा को लेकर, ये कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी थे जिन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा जी को समय नहीं है, एक सेकंड रुक जाइए, अरे रुक जाइए, आप थोड़ा ना कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए, चलिए समय बहुत कम है मेरे पास, और आपने देखा कैसे विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं, लेकिन 10 तारीख को 13 तारीख वो दिन होगा जिस दिन 10 तारीख को वोटिंग है, 13 तारीख को रिजल्ट आएंगे, नतीजों में पता चलेगा कि इस बार बजरंग बली ने वाकई किस पार्टी को आशीर्वाद दिया है, और बजरंग बली चाहते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सीट पर कौन से पार्टी के अपने लोग वहां काबिज हो, देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, क्योंकि पल पल विधानसभा चुनाव कर्नाटक में कई चीजें बदल रही हैं, लेकिन होगा क्या ये फाइनल रिजल्ट ही बताएंगे, पल पल की अपडेट जिस खबर से जुड़ी हुई होगी हम आपको पहुंचाते रहेंगे, फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा।